विद्यार्थी संघ का सबका ऋणी हूँ, दिल से उनका आभारी हूँ। मेरी पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि हम आखिरी पंक्ति के उत्तर भारतीय जो जो MMR रीजन में रह रहे हैं उन लोगों के लिए कैसे हम अपना जो गेस्ट हाउस है, मैरिज हॉल है, ये सब कैसे उपलब्ध करवा सकें कि आखिरी पंक्ति के लोग उसका उत्तर भारतीय संघ का लाभ ले सकें। उत्तर भारतीय संघ मुंबई तक ही सीमित रहेगा या उसमें और आगे बढ़ाने की कोशिश होगी? नहीं, जैसे अभी मुंबई नहीं, हमने आपसे कहा कि MMR रीजन मीरा रोड में एक भवन बनाएंगे और एक कल्याण में भवन बनेगा, जिससे कि बहुत सारे उत्तर भारतीय लोग अब MMR रीजन में शिफ्ट हुए हैं, तो उस रीजन में जो आखिरी पंक्ति के उत्तर भारतीय जो, और ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम उनको मैरिज हॉल या ये सब हॉल उनको हम उपलब्ध कराएंगे, और आगे चल के हम पूना नागपुर नासिक और भी जगह उत्तर भारतीय संघ की शाखाएं खोलने की हमारी योजना है। महाराष्ट्र के बाहर भी जाने की कुछ योजना है? अभी तो फिलहाल महाराष्ट्र में ही, पूरा महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय संघ एक बार वो हो जाए फिर उसके बाद आगे हम जाएंगे। गरीब लड़कियों के लिए भी आप कुछ योजनाएं चलाने वाले थे, सामूहिक विवाह वगैरह के बारे में? जी, हम अब उत्तर भारतीय संघ एक उत्तर भारतीय समाज का सामूहिक विवाह करेगा, जिससे कि जो आखिरी पंक्ति के उत्तर भारतीय हैं या और भी बाकी भी जो लोग हैं, जैसे कि साउथ इंडियन हो, गुजराती, मराठी समाज हो, कोई भी हो, जो लोग नहीं करा सक, हम उनका सामूहिक विवाह यहाँ पे उत्तर भारतीय संघ पूरे अपने खर्च पे सामूहिक विवाह कराने वाला है। इसी के साथ साथ मैं आपको और एक जानकारी दे देता हूँ कि दिसंबर महीने में ये बिल्डिंग का पूरा रिपेयर वर्क चल रहा है, जो कि ग्लास की बिल्डिंग, जैसे MMRDA रीजन में आप देखेंगे तो उत्तर भारतीय समाज की कोई संस्था की पहली बिल्डिंग ऐसी होगी जो ग्लास की आपको दिखेगी पूरे हिंदुस्तान में। और उसी के साथ साथ हमारे प्रेरणा शोध और हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री आर्यन सिंह जी की प्रतिमा का भी उसका अनावरण करेंगे, साथ में हम 5,000 महिलाओं को साड़ी मुफ्त में बांटेंगे। मतलब ये कॉर्पोरेट लुक दिया जाएगा उत्तर भारतीय? जी क्यों ना, अब जब उत्तर भारतीय जब MMRDA रीजन में आप देखेंगे बाकी की बिल्डिंगें हैं, तो ऐसे ही उत्तर भारतीय समाज से भी लोग अब आकर्षित होंगे। लोग ये सोचते थे कि उत्तर भारतीय समाज सिर्फ आता है एक खोली में जाके रह जाता है, बाकी अपने गांव में ये करता है, लेकिन जब लोग जब ये यहाँ की बिल्डिंगें देखेंगे तो उनका एक सोचने का नजीरा बदली होगा कि नहीं, उत्तर भारतीय समाज भी यहाँ कुछ कर रहा है। व्यापार के लिए क्या करेगा कोई, अगर आप नया बिजनेस करना चाहेगा सिर्फ उसके लिए कुछ प्लान? नहीं, नए बिजनेस में जैसे अभी हम सोच रहे हैं कि आगे चल के जैसे सोसाइटीज होती है, पद पीढ़ी जैसे कि कहते हैं, वो भी हम आगे चल के सोच रहे हैं कि उत्तर भारतीय संघ के नाम पे हम शुरू करें, जिससे कि लोगों को इसकी मदद मिले। ग्लास की इमारतें वो कब तक पूरी? हम तो, मैंने तो, आप जानते हैं कि मैं कोई भी काम अगर लेता हूँ तो वो समय के पहले पूरा करता हूँ। आपने अभी तक देखा होगा 6-7 कार्यक्रम जो हुए यहाँ पे, मैंने तो अपना नवंबर एंड डिसाइड करके रखा है, लेकिन ये जो आने वाली आगे की सड़क है ये शायद जनवरी में ओपनिंग होने वाली है, तो हम इसी के लिए, उसी के साथ में जब वो ओपन हो तो उसी के साथ में हम सोच रहे हैं कि हम उस मूर्ति का, हमारे अध्यक्ष जी के मूर्ति का भी अनावरण हो और बिल्डिंग का भी ये हो जाए। आपने अभी कुछ उत्तर भारतीय संघ को राशि दान की है ऐसा कुछ सुनने में? जी मैंने अभी एक्चुअली में ये मैंने नहीं किए, ये मेरे पिताजी जिन्होंने मतलब कि ये करके रखते हैं हरदम, तो जो भी उनका ये है, तो कल रात को मैंने अपने बच्चे से बात किया तो उसने कहा कि मैं तो खुद अपने लिए कमा लूंगा पापा, आप ये जो बाबा ने अपने लिए रखा है, उनका एक सपना था कि उत्तर भारतीय संघ का भवन बने जिसमें कि आखिरी पंक्ति, क्योंकि वो 200 रुपए लेके मुंबई आए थे और वो जानते थे एक उत्तर भारतीय की पीड़ा कि कैसे वो लोग काम करते हैं, तो उन्हीं का जो रखा हुआ पैसा है वही आज मैंने वापस उत्तर भारतीय संघ को 25 लाख रुपए अपने तरफ से समर्पित किया। सर जहां तक समाज के महिलाओं की दिशा को देखते हुए देखा जाए तो बच्चों की शादी विवाह को लेके थोड़ी सी समस्या उत्पन्न होती है, उसके लिए क्या अवेयरनेस है समाज के लिए, उत्तर भारतीय संघ क्या कर सकता है जिससे पहुंच कम है, लोगों की समय कम दे पाते हैं, लड़के लड़कियों का विवाह शादी काफी लेट हो रहा है उत्तर भारतीय समाज में विशेष कर देखा जाता है, तो संस्था की तरफ से कुछ ऐसा पहल है क्या उस पर? आगे हम बैठ के इस बारे में भी चर्चा करेंगे। हमने एक अभी गए मीटिंग में ही हमारी एक डिस्कशन हुई थी कि हम इसे एक वेबसाइट बनाना चाहिए,
जिसमें कि उत्तर भारतीय लोग एक दूसरे से जुड़े और एक दूसरे को, मतलब लड़का लड़की पक्ष एक दूसरे को जाने और आगे चल के शादी ब्याह हो, उसको भी हम बहुत अच्छी तरह से आगे आने वाली हमारी एक योजना में उसको भी शामिल करेंगे। सर, देश प्रथा भी क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि उत्तर भारत में देश प्रथा का भी चलित ज्यादा चलती है। ठीक समझा, दहेज जी, मैं तो उसके विरोध में हूँ ना, मेरे पिता ने कभी ये किया, हमारे इसमें तो कभी नहीं हुआ। युवा जो पीढ़ी है समाज का, पिछली पीढ़ी भी, लेकिन युवा जो पीढ़ी है वो मुझे नहीं लगता कि दहेज और ये सब में विश्वास रखती है। वो खुद अपने ऊपर, जैसे कि मैंने बताया, मेरा बेटा अभी 14 साल का है, वो कह रहा है कि मैं खुद अपने इसके ऊपर रह लूंगा पप्पा। तो आने जो पीढ़ियां है अब वो दहेज और ये सब के इसमें मुझे नहीं लगता कि आगे चल। तरफ से कोई जैसे एक मेलावा होता है और सारे समाज के लोग करते हैं, रोजगार मेलावा हो गया, इस तरह का आयोजन क्यों नहीं किया जाता कि हमारे प्रदेश से आने वाले युवाओं को रोजगार मिले, ऐसा कुछ एक कैंपेन चलाना चाहिए या तो ऐसा मेलावा करना चाहिए? करेंगे, सब कुछ करेंगे, अभी धीरे धीरे, अभी तो आज से शुरुआत किया है। एक ही दिन में सब खाली बोल के, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि खाली बोलता नहीं हूँ, काम भी वो करके दिखाना है। तो सब एक एक करके धीरे धीरे सारी चीजों को उसको लिया जाएगा संगठन। भैया, मुंबई से सटा वसई विरार का इलाका होता है, वहाँ पर सबसे ज्यादा उत्तर भारतीय देखे जाते हैं। ट्रेड को लेकर सबसे बड़ी समस्या है वहाँ पर, पिछले कई सालों से उनकी लड़ाई भी चल रही है। क्या उत्तर भारतीय संघ उनकी मदद के लिए आगे आने वाला है या किस तरह से? जी, उत्तर भारतीय समाज का कोई भी व्यक्ति, अगर वो मुझे एक छोटा से छोटा व्यक्ति भी मुझे लाएगा, मैं उसकी मदद करने के लिए हर 2400 घंटा उपलब्ध रहूंगा। उनकी मांग है कि बनारस और उत्तर भारत में जाने के लिए जो ट्रेन होती है वो वहां पर उसकी व्यवस्था नहीं है, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम रेलवे से मिलके हम उनको ज्ञापन देके और फिर हम रेल मंत्रालय में भी जाके इसके बारे में आगे बोलेंगे कि लोगों को ट्रेन की सुविधाएं और बढ़े।